जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर बतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर मरे हैं कई, नोटों में भी लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करता हूँ, मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करता हूँ, यहीं की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा कफन हो मेरा बस यही अरमान रखता हूँ, बस यही अरमान रख। तो नमस्कार दोस्तों, अभी अभी दिल दहला देने वाली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। दोस्तों इस वीडियो को अनदेखा ना करें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय हिंद जरूर लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जम्मू कश्मीर के सोफिया में दौसा के कंचनपुरा गांव का लाल शहीद हो गया। 24 साल के पवन सिंह 2018 में ही सेना में भर्ती हुए थे। इधर पिता और दो भाइयों को शहीद होने की सूचना मिली तो बेसुध हो गए। बेटे के पार्थिव शरीर के इंतजार में खाना पीना छोड़ चुके हैं। दरअसल 4 साल पहले ही सेना में भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग हुई, 1 साल से वो RR-44 कश्मीर में तैनात थे। गुरुवार को सोपिया में आतंकी हमले की सूचना पर वह साथी जवानों के साथ मौके पर जा रहे थे कि सेना के बैंड पलटने से हुए हादसे में उनके समेत दो जवान और शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव कंचनपुरा पहुंच सकती है। कंचनपुरा गांव में भीम सिंह गुज्जर के 3 बेटों में से सबसे छोटे पवन सिंह थे। दो बड़े बेटे मोहन सिंह व वीर सिंह गाँव में ही खेती का काम करते हैं। पिता भीम सिंह खेती के साथ ग्राम पंचायत के आईटी केंद्र में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। शहीद पवन सिंह की शादी जुलाई 2021 में हुई थी। शादी के बाद वह ड्यूटी पर चला गया और जनवरी में छुट्टी पर आया था। करीब 1 महीने गांव में रुकने के बाद वह फरवरी में वापस ड्यूटी पर चले गए थे। शहीद पवन सिंह ने बुधवार रात को ही पिता भीम सिंह व पत्नी सपना देवी से फोन पर बातचीत कर परिवार के हाल चाल जाने थे। ऐसे में गुरुवार शाम को उनके शहीद होने की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शहीद के पिता भीम सिंह व उसके दोनों भाई बेसुध हो गए। परिवार में सबसे लाडले छोटे भाई के चले जाने के गम में दोनों बड़े भाई ने खाना पीना छोड़ दिया। वहीं पवन सिंह के शहीद होने के बारे में अभी तक परिवार के महिलाओं व शहीद की पत्नी को नहीं बताया गया। ऐसे में पवन सिंह की शहीद होने की बात से ही अनजान है, पूरा गांव में सन्नाटा पसरा है। हर कोई शख्स शहीद के बारे में बात कर उसके हंसमुख चेहरे व कुशल व्यवहार को याद कर रहा है। शहीद की पार्थिव देह आने का इंतजार में परिवार के लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों मैं अपने इस चैनल के माध्यम से शहीद पवन सिंह को सत सत नमन करता हूँ, और मैं नमन करता हूँ उन माओं को जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो हंसते हंसते अपने देश के लिए शहीद हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।